attend. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस गुरु एकेडमी पर। एक बार फिर मैं आपके लिए जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपको इसमें से लगभग 60-70% क्वेश्चन जनरल साइंस के मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पौधों में भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है कौन करता है? पौधों में भोज्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र होता है, क्या बोलते हैं उसको हम? स्टोमेटा। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधों में गैस का विनिमय होता है कहाँ पे होता है? स्टोमेटा में होता है। कहाँ पे होता है? जो सूक्ष्म छिद्र होता है उसको स्टोमेटा बोलते हैं। वो पौधों में गैसों का विनिमय भी स्टोमेटा के द्वारा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, परागण मुख्य रूप से होता है, क्या होता है परागण मुख्य रूप से? परागण मुख्य रूप से हवा, पानी और कीटों के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पारिस्थितिकी जिसको हम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एच रीटर ने किया था। कब किया था? 1868 में एच रीटर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्णाधता की खोज किसने की थी? वर्णाधता की खोज होर्नर ने की थी। किसने की थी? होर्नर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है कितनी होती है? तंत्रिका कोशिका की लंबाई, तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर, लगभग में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शरीर में वह स्थान जहाँ पीयूष ग्रंथि स्थित होती है कहाँ पे होती है? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में उपस्थित होती है। मैंने आपको बताया था पीयूष ग्रंथि के दो नाम और भी है, कौन कौन से नाम है? वह पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं और पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। यह मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुणसूत्र जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम्स, या फिर बायोलॉजी की भाषा में क्रोमोसोम्स बोलते हैं, गुणसूत्र रहते हैं कहाँ पे रहते हैं गुणसूत्र? गुणसूत्र कोशिका के केंद्र में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है कौन सा है? वह भाग तंत्रिका तंत्र का जो आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, वह भाग है मेंडुला ऑब्लोगेटा। क्या है? मेंडुला ऑब्लोगेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जीन की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जीन की कार्यात्मक इकाई को सिस्ट्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्ट्रोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है पात्र निषेचन और फिर गर्भावस्था में प्रतिरोपण, ठीक है। पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण, मतलब किसी जो टेस्ट ट्यूब होती है हमारी, टेस्ट ट्यूब में हम उसका निषेचन करते हैं, उसको तैयार करते हैं और फिर गर्भाशय में हम उसको प्रतिरोपण कर देते हैं, मतलब गर्भाशय में उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है किस चीज़ के द्वारा की जाती है? न्यूक्लियस द्वारा। कोशिका गतिविधियाँ न्यूक्लियस द्वारा नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आनुवंशिकी किसकी इकाई है? आनुवंशिकी जीन की इकाई है। किसकी इकाई है? जीन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है न्यूरोन। क्या है? न्यूरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे शरीर की वह कोशिका है जिसमें सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है, किसमें होती है सबसे कम पुनर्योजी शक्ति? मस्तिष्क कोशिकाएं में सबसे कम पुनर्योजी शक्तियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, किसको कहा जाता है आधुनिक आनुवंशिकता का पिता?
बेटसन को, किसको कहा जाता है, बेटसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अपरापोषी का सहायक होता है, अपरापोषी का सहायक होता है, किस चीज़ में सहायक होता है अपरापोषी का, पोषण के अलावा श्वसन तथा उत्सर्जन में अपरापोषी का सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पाद के लिए लिया जाता है, किसको लिया जाता है, विटामिन सी को, विटामिन सी कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विटामिन की मुख्यतः किन फलों में पाई जाती है, विटामिन सी मुख्य नींबू और आंवला में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, नींबू में और आंवले में। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।